नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 1 सितंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति व चुनौतियों के बारे में। फिर देखेंगे हम कि क्या होते हैं सरोगेट विज्ञापन व इनको लेकर क्या हैं चिंताएं। फिर देखेंगे हम कि पंचामृत, NDC और UNFCCC, नेट जीरो और भारत ने क्या प्रतिबद्धताएं जताई हैं अपनी जो जलवायु परिवर्तन को लेकर। फिर देखेंगे हम यमुना प्राधिकरण में सेमीकंडक्टर को लेकर निवेश को लेकर क्या होती हैं सेमीकंडक्टर चिप और कहाँ इनका उपयोग होता है और इससे क्या फायदा हो सकता है। फिर देखेंगे हम कि G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद को लेकर क्या कहा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने और क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लेन टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहा भूपेंद्र यादव जी ने विकसित देशों को। फिर देखेंगे हम भारत व UAE के संबंधों के बारे में और क्या होती हैं जो संयुक्त आयोग और रणनीतिक चर्चा के लिए जो गठित किया गया था इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर हम NCERT की रिपोर्ट को देखेंगे कि NCERT की रिपोर्ट ने क्या तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए और हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से यह किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिर देखेंगे हम कि चुनाव सुधार में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है ब्लॉकचेन तकनीक और क्या है इसका भविष्य और किस तरह से कार्य करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फिर देखेंगे हम कि जीनोम एडिटिंग क्या होती है और इसका क्या भविष्य और आने वाले समय में इसके क्या लाभ हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कोर सेक्टर क्या होते हैं, कोर सेक्टर किन इंडस्ट्रीज से मिलकर बना होता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री परिषद ने क्या लिया है जो दालों को लेकर नई नीति क्या है और क्या लिया है फैसला जो सेंट्रल कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। फिर देखेंगे हम कि सोवियत संघ और भारत के संबंधों में और उनमें मिखाइल गोरबाचेव की भूमिका में और सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोरबाचेव की भूमिका के बारे में देखेंगे। फिर हम UPI टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे और किस तरह से हमें अवेयरनेस रहना चाहिए साइबर धोखाधड़ी के प्रति। तो इन सब के अलावा हमारे लिए महत्वपूर्ण खबरें भी रहेगी। हम देखेंगे यार क्या क्या पढ़ने वाले G20 ग्रुप के बारे में, UAE के बारे में और पेरिस समझौते COP26 में भारत के कमिटमेंट के बारे में। तो इस तरह से हमारी महत्वपूर्ण खबरें व अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी। यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजी आने वाली है, पहले हम टर्मोलॉजी को देख लेते हैं क्या होती है। तो सार्वजनिक उपभोग क्या होता है कि सरकार द्वारा आवंटित संसाधनों की राशि या सार्वजनिक सेवाओं के कामकाज जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद, वेतन, सामाजिक हस्तांतरण इसी तरह के होते हैं। यानी सामाजिक जो खर्च है यानी सो सार्वजनिक खर्च या खपत कहते हैं। फिर देखते हैं कि जो निजी खपत वो क्या होती है। तो ये देश में उपभोक्ताओं द्वारा सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च किए गए सभी पैसों का एक उपाय है। इसे अक्सर उपभोक्ता व्यय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वह किराया भी शामिल है जो आपने अपने मकान मालिक को दिया है। फिर देख लेते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है। तो साधारण शब्दों में कहें तो GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी इकोनॉमी में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे पता चलता है कि तय पीरियड में इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विसेस का उत्पादन हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि खास क्षेत्र उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। फिर देख लेते हैं कि GDP क्या होता है। तो GDP कंज्यूमर के नजरिए से आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है। इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड शामिल किया जाता है। यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का इन फाइनेंशियल ईयर इन द बाउंड्री यानी एक सीमा के अंदर उसको हम GDP बोलते हैं। फिर देख लेते कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर यानी सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है जबकि GDP में डिमांड या कंज्यूमर साइड की तस्वीर दिखाता है।
जरूरी नहीं कि दोनों ही आंकड़े एक से हो, क्योंकि इन दोनों में नेट टैक्स के ट्रीटमेंट का फर्क भी होता है। अब देख लेते हैं कि जो क्वार्टर यानी तिमाही का बार बार उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है कहाँ से शुरू हो रहा, तो अप्रैल मई जून से। तो ये हमारी जो पहला क्वार्टर हो गया यानी पहली तिमाही हो गई, अप्रैल मई जून। फिर उसके बाद होगी जुलाई अगस्त सितंबर, ये दूसरी हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीसरी तिमाही हो जाएगी। और आखिरी में आएगी हमारी जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हमारी फोर्थ तिमाही हो जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है, क्योंकि ये टर्मोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आगे समझने में। तो अब शुरुआत करते हैं हम इससे, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिकी में तेज उछाल, अच्छे संकेत। कहीं के जो अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 13.5% रही विकास दर। तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी वित्त वर्ष 2022 व 23 में जो पहली तिमाही है यानी अप्रैल जून से जीडीपी विकास दर कहीं कहीं 13.5% रही है। पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में दुनिया के शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की विकास दर सबसे अधिक रही है। और रूस यूक्रेन के शुरू होने के बाद से कहीं ना कहीं अप्रैल मई में सप्लाई चेन प्रभावित होने से कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल की कीमत को लेकर भी विभिन्न प्रकार की जो माल है दामों में कहीं ना कहीं कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। कहीं ना कहीं जो इससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न हुई थी। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक अच्छी संकेत है, निजी खपत में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं जो निजी खपत की हिस्सेदारी किसमें जीडीपी में 54% से बढ़कर जो चालू वित्त वर्ष में कहीं ना कहीं 60% हो गई है। सरकारी खपत की हिस्सेदारी में कमी आई है। और जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी से भविष्य में औद्योगिक उत्पादन को लेकर भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड कैपिटल गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हम थोड़ी सा कुछ जानकारी ले लेते हैं कि सेवा सेक्टर में बढ़ोतरी से मिली मजबूती, कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। जिससे होटल है, ट्रांसपोर्ट है, मनोरंजन है, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से विकास होने लगा है, जिससे कहीं ना कहीं जीडीपी में भी इनका योगदान बढ़ने लगा है। केंद्रीय बैंक के अनुमान से कम रही विकास दर, कहीं ना कहीं जीडीपी वृद्धि दर कम रही है इसके अनुसार आरबीआई और अन्य एजेंसी के मुताबिक। और ये क्यों कम रही है, तो कहीं ना कहीं वैश्विक चुनौतियां हैं, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, अमेरिका चाइना ट्रेड वार है, जैसे चीन में दिन पर दिन कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। राजकोषीय घाटा, चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में जो राजकोषीय घाटा पूर्ण वित्त वर्ष के घाटे के अनुमान के 20.5% रहा, और इसी पिछले वर्ष में कहीं ना कहीं ये 21.3% रहा था। तो चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम इसको जानेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, किससे इनकम होती है, किससे आय होती है, क्या फिक्स्ड कैपिटल गुड्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि जो फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स एंड मशीनरी होती हैं, फैक्ट्री की जो भूमि होती है, बिल्डिंग्स होती है, कंपनी का हेडक्वार्टर होता है, ऑफिस होता है, कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, गुडविल होते हैं, ये सब किस में आते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल्स के अंदर इनको शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन वो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से खेती से या कहीं से ला ये गुड कैरियर ले जा रहा है यानी यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहा है। अब ये रॉ मटेरियल जाएगा कहाँ, किचन में, और किचन में कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं एक तरह से केक है या कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, और उनकी पैकिंग करके कहीं ना कहीं जो मटेरियल है उसे एक तरह से बेकरी शॉप में पहुंचा जा रहा। और फिर बेकरी शॉप से कहीं ना कहीं क्लोजिंग सेल यानी कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा, यानी ऑर्डर किया है किसने, कंज्यूमर ने, और कंज्यूमर ने ऑर्डर करने के बाद उसका पेमेंट किया है। और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन प्लान था वो यहीं से कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई देता है ये चार्ट। तो इसमें हमको लग रहा है कि कहाँ कहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो पहले यहाँ रॉ मटेरियल लाया गया, तो रॉ मटेरियल से क्या बनाया गया, केक। तो केक को बनाने में जितना इन्वेस्ट किया तो उसको ऐड करेंगे। फिर यहाँ से सप्लाई चेन में, फिर यहाँ पे कोई सेलर होगा तो वो अपना चार्ज देखेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से इसमें वैल्यू एडिशन होता जा रहा है कि यहाँ 10 रुपए का माल था, यहाँ लाने के बाद इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में 20 रुपए आ रहा, तो कहीं ना कहीं तो 30 रुपए का टोटल माल हो गया। फिर यहाँ से कहीं ना ऑर्डर करने में इस पे चार्ज लगा, तो 30 ने 10 रुपए और चार्ज का मान लो तो 40 रुपए। तो इस तरह से देखेंगे हम कि
टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो क्या होता है, और हमारा जो समझ रहे अभी ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो वो किस लिहाज से अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो पहले देख लेते हम कि जो राजकोषीय घाटे की बात करें, तो घाटे से पहले हम देख लेते कि हमारी जो सरकार की आय है वो कहाँ से होती है। तो एक टैक्स से होती है, एक नॉन टैक्स से होती है। तो टैक्स में दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में हो गया इनकम टैक्स, निगम कर, धन कर, कैपिटल गेन टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर में हो गया सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट। और नॉन टैक्स के अंदर आ जाता है शुल्क एकत्र करना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीआई, पासपोर्ट, जुर्माना आ जाता है तो उल्लंघन आदि पे, पीएसयू से आए जैसे एयर इंडिया से लाभ, उपहार, अनुदान, संयुक्त राष्ट्र, जापान आदि से कहीं ना कहीं जो विदेशी सहायता मिलती है, तो उनसे क्या हमारी एक तरह से आय होती है। अब देख लेते हैं कि जो खर्चा कहाँ कहाँ होता है। तो एक योजनागत खर्चा होता है, एक गैर योजनागत खर्चा होता है। तो योजनागत खर्चा क्या होता है, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। गैर योजनागत व्यय में न्यायाधीशों, नौकरशाहों और सेनाओं का वेतन, नए टैंक और मिसाइल खरीदना, सब्सिडी गैस, पेट्रोल, केरोसिन पर, सरकारी कार्यालयों की बिजली बिल आदि, तो ये खर्चे हो गए। हम अब यहाँ पे बजट की स्थिति दिखाई हुई है कि जो जाने वाला पैसा और आने वाला पैसा, यानी जाने वाला पैसा ज्यादा है किससे, आने वाले पैसे, तो जिसे घाटे का बजट कहते हैं, यानी जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से कम है तो कहीं ना कहीं अधिशेष बजट होगा, और जाने वाला पैसा आने वाला पैसा अगर बराबर होगा तो कहीं ना कहीं इसे संतुलित बजट कहेंगे हम। फिर राजकोषीय घाटा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बजटीय घाटा होता है वो कुल व्यय माइनस कुल आय होता है, और इससे बजटीय घाटा आता है। इसके अंदर बाजार से उधारी, यानी जो सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड और अन्य देनदारियां जैसे पेंशन या भविष्य निधि, इन सबको जोड़कर कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटे का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा कब बुरा होता है। तो एक सीमा तक अगर राजकोषीय घाटा है तो कहीं ना कहीं ये विकास का संकेत होता है, लेकिन अगर सीमा से पार चला जाए तो कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से नुकसानदेह होता है। सरकार अनुत्पादक कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करती है तो कहीं ना कहीं जिससे आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती, जैसे मनरेगा के थ्रू ज्यादातर पैसा सरपंच और स्थानीय अधिकारियों द्वारा खा लिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो विकास से, जिस उत्पादक कार्यक्रमों में जो पैसा लगाना चाहिए था वो लगता नहीं है। दूसरा है कालाधन, राजकोषीय घाटा। जब आने वाला पैसा कम होते हैं और बाहर जाने वाले पैसे अधिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला पैसा कम है इसका मतलब है कि कर संग्रहण प्रणाली प्रभावी नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग कर नहीं देकर अपना अपना लाभ उठा रहे हैं, और इसी से कालाधन, और ये कालाधन किसमें परिणित हो जाता है, मुद्रास्फीति, जो बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो अब हम इस सारणी को देख लेते हैं कि जो पहली तिमाही में किस सेक्टर में कितनी बढ़ोतरी रही ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्रतिशत की। तो इस चार्ट में दिखाया हुआ है कि जो कृषि और फिशिंग है उसमें 4.8% जीएवी रहा, माइनिंग में 6.5%, मैन्युफैक्चरिंग में, बिजली गैस और अन्य उपयोगी सेवाओं में, व्यापार, होटल, संचार, ट्रांसपोर्ट, रियल इस्टेट व वित्तीय सेवाओं में, अन्य सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सुरक्षा। तो यहाँ जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्रतिशत के रूप में हमें समझ में आ रहा है जो सबसे ज्यादा है सेवा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इनमें सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो रहा है, और सबसे कम कहीं ना कहीं कृषि और फिशिंग में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे हम भारत की बोलते हैं कि भारत में जो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, क्यों है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान है वो जो फसल उत्पादन करते हैं उसमें जैसे चावल है, गेहूं है, तो उनका डायरेक्ट सेल कर देते हैं, उसके अंदर कुछ ग्रॉस वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनसे इनकम नहीं बढ़ती है। तो जब जो क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रोस वैल्यू एडिशन करेगा तो उस क्षेत्र में हम देखेंगे कि जो लिक्विडिटी है, पैसा भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा है क्योंकि विकास दर में भी सबसे ज्यादा योगदान देता है। अब जैसे व्यापार, होटल, संचार, ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है, और दूसरा अन्य सेवा, तो हमको पता है कि इनकी स्थिति अच्छी है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 36.85 लाख करोड़ रुपए रही चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी। कश्मीर में बाहर के श्रमिकों को मिली इस सुरक्षा। तो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री ने दिया था निर्देश, सीआरपीएफ के जिम्मे होगी श्रमिकों की सुरक्षा। जैसा कि हमें पता है जो जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और जो बाहर से आकर वहाँ रोजगार कर रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं जो टारगेट किलिंग की हत्याओं को देखकर कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री ने निर्देश दिया है कि जो कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए श्रमिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन किए जा रहे हैं। कारखानों में, ईंट भट्टों में, हर जगह कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ तैनात की जा रही है,
मालिक या ठेकेदार कहीं ना कहीं निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवा भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी किसने? गृह मंत्री जी ने, और उसी के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है। और अन्य राज्यों के लोगों को भी मतदान के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव जो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसी को देखकर कहीं की जो मतदाता सूची है उसको कहीं ना कहीं अपडेट किया जा रहा है, उसमें नामों को पंजीकृत किया जा रहा है और सुरक्षा की व्यापक रणनीति बनाई जा रही है जिससे कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रभावी शासन व्यवस्था लागू की जा सके। जो TRF यानी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF अल्पसंख्यकों और अन्य राज्यों के लोगों को निशाना बनाने की कई बार धमकी दे चुका है। जो TRF मौजूदा वर्ष के दौरान वादी में लगभग 2 दर्जन टारगेट किलिंग की वारदातें हुई जिसी को देखकर कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया कि जो CRPF है अब वहां पर हर क्षेत्र में गश्त करती रहेगी ताकि इस तरह की टारगेट किलिंग को रोका जा सके। वहां मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएगी ताकि कहीं ना कहीं वो सब सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की जो वारदातें हो रही उनको रोकने में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा कर सके। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कामकाज जारी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद अब यहाँ हो रहे देश के अन्य राज्यों के लोग भी मतदाता बन सकते हैं। तो इसी को देखते ही सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो अन्य राज्यों से आए लोगों हैं उनको मतदाता से कहीं ना कहीं रोकने के प्रयास से कहीं ना कहीं लोग जो आतंकवादी संगठन है वो टारगेट किलिंग न करे इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं कि जो छद्म विज्ञापन क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं या अन्य बड़े आयोजनों के दौरान कहीं कहीं शराब व तंबाकू के छद्म यानी सरोगेट विज्ञापनों की बाढ़ आई है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों को एक सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और उनकी अवहेलना करने पर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। तो म्यूजिक CD क्लब सोडा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की आड़ में कहीं ना कहीं शराब का विज्ञापन दिखाया जाता है। वहीं चबाने वाले तंबाकू व गुटखा ने सौंप व इलायची के आड़ में ले लिए। तो इस तरह से जो सरोगेट विज्ञापन क्या होते हैं कि जैसे दिखा काई का रहे वो इलायची व सौंप का, तो उसके अब उसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि वो आदमी गुटखा या तंबाकू खा रहा है। तो इसी को कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो आप दिखा रहे हो एक्चुअल में वो चीज न होकर कोई दूसरी चीज दिख रही है, तो उसको बोलते हैं सरोगेट विज्ञापन। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं विज्ञापन एक तरह से भ्रामक कारोबार भी कर रहे हैं और लोगों में भ्रामकता फैला रहे हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और दिशा निर्देश निर्माता कंपनियों सेवा प्रदाताओं व अन्य व्यापारियों पर लागू होंगे। अगर उन्होंने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी महत्वपूर्ण खबर की। पंचामृत के साथ भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन की तरफ बढ़ाया कदम। देश ने अपडेटेड NDC UNFCCC में प्रस्तुत किया, इसमें PM के लिए लाइफ मंत्र को भी किया गया शामिल। तो कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अहम कदम उठाते हुए भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपना अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान दस्तावेज यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 23 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भारत की तरफ से NDC प्रस्तुत किया गया है। NDC के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक कहीं कहीं अर्थव्यवस्था में जो कार्बन गहनता को 45% तक कम करेगा, वहीं जो यह कमी कहीं कहीं वर्ष 2005 के स्तर के सापेक्ष में होगी। साथ ही भारत अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों से प्राप्त करेगा। NDC वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए भी भारत की एक दीर्घावधि योजना प्रस्तुत की है। नवंबर में ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 सम्मेलन में सुझाए गए पंचामृत भी कहने के उसके शामिल किया गया है। पंचामृत से तात्पर्य होता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो उठाए गए या सुझाए गए 5 अहम बिंदु हैं। स्वस्थ व बेहतर जीवन शैली की अवधारणा को भी मजबूती बनाने के सुझाव दिए गए।
या लाइफ मंत्र का भी सुझाव दिया गया है। लाइफ यानी पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीसी भारत को किसी क्षेत्र विशेष पर रोक या बंदिश लगाने के लिए विवश नहीं करता। एनडीसी दस्तावेज कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत पेरिस समझौते और यूएनएफसीसी के तहत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। दस्तावेज के अनुसार भारत का एनडीसी महत्वाकांक्षी और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अहम योगदान करने वाला है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी अहम क्षेत्रों में निम्न कार्बन की पहल को सशक्त करता है। समय के साथ भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था में समग्र उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा क्षमता को बेहतर बनाना, अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का भी लक्ष्य है। भारत ने पहली बार अपना एनडीसी 2 अक्टूबर 2015 को सौंपा था, जिसमें 8 लक्ष्य तय किए गए थे। इसमें वर्ष 2023-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा की कुल जो बिजली उत्पादन से 40% तक पहुंचाना, 2005 के स्तर से अर्थव्यवस्था का कार्बन उत्सर्जन 33-35% तक कम करना और अधिक वन क्षेत्र लगाकर 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। तो अभी हम देखेंगे जो पंचामृत थे वो क्या थे और यूएनएफसीसी के बारे में भी जानेंगे। तो पहले चलते हैं कि इंडिया एट COP26 बिग फाइव कमिटमेंट मेड बाय पीएम मोदी एट द यूएन क्लाइमेट चेंज समिट। तो कहीं ना कहीं जो ये समिट हुई थी कहाँ हुई थी, तो ग्लासगो में हुई थी, कहाँ, ब्रिटेन के। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, जिसमें कहीं ना कहीं शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की हिस्सेदारी को रोकने के लिए कुछ बड़े उपायों की घोषणा की है। तो तापमान को सीमित करने की दिशा में कहीं ना कहीं जलवायु लक्ष्यों को 5 अमृत के रूप में जाना जाता है। तो भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करेगा। भारत अब और 2030 के बीच कुल अनुमानित उत्सर्जन के कम से कम 1 बिलियन टन को कम करेगा। भारत देश की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करेगा। भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो नेट शून्य का तात्पर्य है उत्पादित की तुलना में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हटाना है। पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता है, सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को वैश्विक मिशन बनाने की पहल की है, ताकि जो जलवायु के अनुकूल हो। जलवायु युद्ध के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अमीर राष्ट्रों से इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने का भी आह्वान किया है। 2015 के शिखर सम्मेलन में भारत ने 2005 के स्तर से 30-35% कम उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य, 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% का उत्पादन, 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण से अवशोषण द्वारा 2.5 से 3 गीगावाट टन जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा जो पहला एनडीसी था उसके जो कमिटमेंट थे ये। अब चलते हैं हम यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पर। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन द पेरिस एग्रीमेंट एंड एनडीसी, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी पेरिस समझौते और इन दीर्घकालिक लक्ष्यों की उपलब्धि के केंद्र में है। एनडीसी राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के लिए प्रत्येक देश द्वारा किए गए प्रयासों को मूर्त रूप देते हैं। वहीं पेरिस समझौते का अनुच्छेद 4 पैराग्राफ 2 प्रत्येक पार्टी को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी तैयार करने, संवाद करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे वह प्राप्त करने का इरादा रखता है। पार्टियां ऐसे योगदानों के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू समन उपायों का पीछा करती है। इसका तो व्हाट डस दिस मीन, इसका मतलब क्या है? तो कहीं कि जो पेरिस समझौता प्रत्येक देश से अनुरोध करता है कि वह 2020 के बाद के जलवायु कार्यों की रूपरेखा तैयार करे और संवाद करे, जिसे उनके एनडीसी के रूप में जाना जाता है। तो भारत ने भी अपना एनडीसी प्रस्तुत किया है।
तो साथ में ये जलवायु क्रियाएं यह निर्धारित करती हैं कि क्या दुनिया पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करती है और जितनी जल्दी हो सके ग्रीन हाउस गैसेस यानी GHG उत्सर्जन के वैश्विक शिखर तक पहुंचने के लिए और सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान के अनुसार उसके बाद तेजी से कटौती करने के लिए, ताकि जो मानव उत्सर्जन है और जो बाद में ग्रीन हाउस गैसर्जनों के सिंक द्वारा हटाने के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। विकासशील देश पार्टियों के लिए उत्सर्जन के चरम पर पहुंचने में अभी अधिक समय लगा, क्योंकि अभी वो विकास की कहीं ना कहीं अवस्था में, यानी अभी वो विकासशील है एक तरह से। उत्सर्जन में कटौती इक्विटी के आधार पर होनी चाहिए, यानी जो जितना उत्सर्जन किया उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती। सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में जो कई विकासशील देश के लिए महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकता होती है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए अपनी विकास की प्राथमिकता महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए भी अपना कमिटमेंट किया और उसे पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। NDC की प्रस्तुतियां तो पेरिस समझौता मानता है कि जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को समय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। NDC हर 5 साल में UNFCCC सचिवालय को प्रस्तुत किए जाते हैं। समय के साथ महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए पेरिस समझौता प्रदान करता है कि क्रमिक NDC पिछले NDC की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करे, उच्चतम संभव महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करे। पार्टियों से अनुरोध है कि वे NDC यानी नए NDC या अपडेटेड NDC को प्रस्तुत करें, यानी जो पहले कमिटमेंट किए उनमें कुछ सुधार करें, कुछ बढ़ोतरी करें। तो ये एक ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है कि जो 197 यानी जो नंबर ऑफ पार्टीज टू दिस कन्वेंशन, जो कन्वेंशन में शामिल थी, और कितनी पार्टियों ने जो पेरिस एग्रीमेंट पर साइन किए, तो 192। और यहाँ दिखाया हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट NDC रिकॉर्डेड इन द इंटरिम NDC रजिस्ट्री विथ 15 न्यू और अपडेटेड फर्स्ट NDC। तो यहाँ स्टार लगा के दिखाया हुआ है कि जो इरिट्रिया है और जो इराक है, हैव सबमिटेड देयर NDC बट नॉट येट बिकम अ पार्टी टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो इन दो कंट्रियों का नाम हमें याद रखना है, एक इरिट्रिया और एक इराक है, जिन्होंने NDC तो सबमिट किया है लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरिस एग्रीमेंट है उन पे इनके साइन नहीं है, यानी ये शामिल भी नहीं है उसमें। मतलब तो 11 यानी टोटल नंबर ऑफ सेकेंड NDC रिकॉर्डेड इन द इंटरिम NDC रजिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं भारत भी शामिल हो जाएगा। तो क्योंकि ये दिखाया हुआ कि किन्होंने NDC, क्योंकि 2015 में पहला सबमिट किया गया था, अब 2020 की में दूसरा सबमिट करना था, तो कहीं ना कहीं अब भारत 2022 में अपना NDC सबमिट कर रहा है। तो NDC रजिस्ट्री, तो NDC हर 5 साल में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सचिवालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें NDC नया या अग्रतन यानी अपडेट का कहीं ना कहीं अगला दौर 2020 तक प्रस्तुत किया जाना था, तो भारत 2022 में प्रस्तुत कर रहा है। NDC को NDC रजिस्ट्री में दर्ज किया कराया जाता है, तो भारत ने भेजा है तो कहाँ दर्ज होगा? NDC रजिस्ट्री में, जो सचिवालय द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और रखरखाव किया जाएगा। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखनी है। तो इस तरह से ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनेगा सेमीकंडक्टर क्लस्टर। तो कहने का, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की मांग को पूरा करने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बड़े निवेश की तैयारी है। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लस्टर विकसित होगा, जिससे कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लस्टर से जो उसके लिए कहीं ना कहीं जो भूखंड योजना भी निकाली जाएगी, ताकि उस क्लस्टर को लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। इससे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को गति भी मिलेगी। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्लस्टर कहीं ना कहीं एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य करेगा, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए। जो सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है वो कंप्यूटर में होता है, मोबाइल फोन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ियों, माइक्रोवेव ओवन तक जैसे कई उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। ये उपकरण को नियंत्रित और मेमोरी से संबंधित कार्य को भी संचालित करते हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और मोबाइल निर्माता कंपनियां कहीं ना कहीं इनकी डिमांड कर रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की सबसे बड़ी जरूरत है सेमीकंडक्टर, और कहीं ना कहीं जो भारत है वो विदेश पर निर्भर है, किसके लिए? सेमीकंडक्टर, खासकर कहीं ना कहीं ताइवान, चीन और इन पर निर्भर है भारत। तो कहीं ना कहीं जो जैसे आज चीन में जो आर्थिक हालत खराब है, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं भारत को
इनकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यमुना प्राधिकरण में बड़े निवेश और कहीं ना कहीं जो कंपनी है उससे भूमि भी आवंटित की जाएगी। सेमीकंडक्टर क्लस्टर, इसके दौरान कहीं ना कहीं जो कोविड के दौरान चिकित्सकीय उपकरणों की कमी को देखते हुए देश में जो मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहे हैं, जो मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कहाँ की जा रहे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, हिमाचल में। कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर में भी ताइवान, चीन आदि देशों पर कहीं ना कहीं निर्भरता कम करने के लिए जो ये सेमीकंडक्टर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं जो भारत का पैसा है वो भारत में ही रहेगा, हमें सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब चलते हैं अगली खबर पर। छोटे कार्यकाल में बड़ी लकीर खींचने में जुटे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित। तो चर्चा में है कार्यशैली, शनिवार को छुट्टी वाले दिन करेंगे आम्रपाली मामले की सुनवाई। तो कहीं ना कहीं 8 नवंबर को सेवानिवृत्त से पूर्व कई अहम मामले दे सकते हैं फैसला, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये मुकदमा की सुनवाई पर लगने वाले की जो व्यवस्था को सरल और सुचारू करने के लिए न्यायिक कार्य का जो समय है उसमें कुछ बदलाव किए हैं इन्होंने। आर्थिक व धार्मिक आरक्षण, पीएफ पेंशन जैसे मुद्दों को इन्होंने शामिल किया ताकि इन पर जल्दी से निर्णय दिया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो कार्यशैली को लेकर अभी चर्चा चल रही है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो रेगुलर और जो मिसलेनियस मामलों की सुनवाई को लेकर भी समय में बदलाव किया है। जो जस्टिस ललित ने सुबह से लेकर लंच तक पुराने लंबित रेगुलर मामलों की सुनवाई पर लगाने का निर्णय लिया है और दिन के दूसरे भाग यानी लंच के बाद मिसलेनियस यानी नए मुकदमों पर सुनवाई की जाएगी। ऐसा शायद इसलिए किया जा रहा है कि ताकि नए मुकदमों के कारण जो पुराने लंबित रेगुलर केस की सुनवाई न पिछड़े, जबकि पूर्व की व्यवस्था में इन दिनों में शुरुआत में मिसलेनियस यानी जो नए मुकदमों को शामिल किया जाता, तो इसी को इन्होंने परिवर्तन किया है और बाद में दिन भर में जो रेगुलर मामलों पर सुनवाई की जाएगी। और इनका टारगेट है कि SC ST की जो प्रोन्नति में आरक्षण, परिणामी वरिष्ठता, सरकारी विभागों में जो प्रोन्नति यानी प्रमोशन, SC ST की प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण के लिए क्वांटिटेबल यानी परिणामी या मात्रा आंकड़े जुटाने में कैडर की एक यूनिट माना जाता है, न कि संपूर्ण सेवा। तो कहीं ना कहीं जो संबंधित मुकदमे जो लंबी थे उन पर ये कहीं ना कहीं अपनी एक तरह से निर्णय देंगे। IT Act से संबंधित कुछ याचिकाएं हैं और आर्थिक आरक्षण यानी EWS को 10% आरक्षण और धर्म आधारित आरक्षण यानी जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होने के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण पर भी कहीं ना कहीं ये सुनवाई करेंगे। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना टारगेट सेट कर लिया है कि कार्यकाल से पहले ये मामले में कहीं ना कहीं निर्णय देकर ही जाना है ताकि इनकी जो पेंडेंसी है वो केसों की कम की जा सके। अब चलते हैं अगला। भारत का उद्देश्य पर्यावरण की समस्या का हल करना, यानी भूपेंद्र यादव जी ने कहा है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि जो इंडोनेशिया में जो आयोजित हो रही थी, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री परिषद की बैठक को संबोधित किया इन्होंने। तो G20 की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि वैश्विक उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदार न होने के बावजूद भारत का उद्देश्य समस्याओं को हल करने का है। विकसित देशों के द्वारा पर्यावरण के लिए वित्तीय सहायता मृत तृष्णा है और अपेक्षा अनुरूप नहीं है। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जमकर किया है। हालिया भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने हालिया दशकों में कहीं ना कहीं वर्षों में घरों तक बिजली पहुंचाने, भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यह बड़े बाजारों में से एक है। इन सभी प्रयासों के लिए कम लागत पर निवेश और पर्यावरण के लिए वित्त बढ़ाने के नए तरीकों की जरूरत है। निम्न कार्बन तकनीक की नई सोच की भी जरूरत है। जलवायु संकट का सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव है वो अति गरीब और कमजोर समुदाय पर पड़ रहा है। 2019 में पर्यावरण वित्त सहायता के तौर पर कर्ज दिया गया था, न कि ग्रांट पर। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर मंत्री ने कहा कि को समझौता होगा कि कहीं ना कहीं जो विकास और पर्यावरण संरक्षण
सामूहिक सोच के साथ होना चाहिए, न कि अलग अलग। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अलग रखना चाहिए। बैठक में कहीं ना कहीं G20 देशों के पर्यावरण मंत्री व अधिकारी भाग ले रहे हैं। G20 के अध्यक्ष देश कहीं ना कहीं इंडोनेशिया की जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने कहा कि टिकाऊ आर्थिक विकास, भू व समुद्र आधारित जलवायु एक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं संसाधन जुटाने के लक्ष्य रखा गया है, तो ऐसा उन्होंने कहा। अब हम G20 के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो G20 यानी जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो इसके सदस्यों को दिखाया हुआ है कि कौन कौन सदस्य हैं और लीडर्स, नेता का पद, राज्य का नेता, वित्त पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर। तो ये पूरे 20 हो गए, 19 तो देश और एक यूरोपियन यूनियन हो गया और कुल मिलाकर 20 हो गए। तो भारत में कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब हम इनकी कंट्री को देखेंगे, इससे पहले एक छोटी सी चार्ट देख लेते हैं। तो कहने का G20 या G20 स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। और इसका जो सदस्यता कितनी है? 20। इसके वर्तमान अध्यक्ष मारियो द्रागी। तो इसका कोई स्टाफ तो कोई नहीं है, इस तरह से हमको देखना है। अब हम इसका मैप को देखेंगे एक बार। तो ये है G20 यानी G7। तो पहले हमको याद करने की किस तरह से टेक्निक सोचनी है कि पहले हम G7 को देख ले। तो G7 में कौन है? तो कहीं ना कहीं एक तो कनाडा हो गया, कनाडा के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका हो गया, ये दो हो गए उत्तरी अमेरिका से। फिर चलते हैं हम कहीं ना कहीं एशिया से, तो एशिया से कौन हो गया? केवल एक जापान हो गया। और जो यूरोप से चलते हैं तो यूरोप से चार देश हो गए, एक तो फ्रांस, जर्मनी और एक इटली और एक और यूनाइटेड किंगडम। फिर G8 की बात करते तो G7 प्लस एक रशिया को मिलाकर G8 बनता है। इसको तो 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया तो इसको G8 से मतलब बाहर कर दिया गया। अब G20 यानी 8 यहाँ हो गए, अब बचे कितने? 12। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, तुर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। कहीं ना कहीं इनमें से ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज है और कुछ डेवलप्ड कंट्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग यानी नॉर्थ साउथ जो कॉपरेशन है यानी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री मिलकर कहीं ना कहीं एक तरह से साथ मिलकर जो प्रणालीगत है जो विकास के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेगी ताकि किस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके और किस तरह के जो गरीब है, विकास जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको मदद की जा सके। तो हम एक बार मैप को देखेंगे। तो ये मैप है, ये भारत, ये चाइना, ये रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और ये साउथ अफ्रीका, टर्की, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको। तो ये शामिल होगा। अब इसमें कलर दिखाया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज। तो ये इमर्जिंग कंट्रीज हो गए, भारत है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है और सऊदी अरब है, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको और ये डेवलप्ड कंट्री कनाडा, यूएसए, यूके यानी ये यूरोप की ज़्यादातर कंट्रियाँ कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रियों में शामिल हो गई। द यूरोपियन यूनियन इज द 20 यानी 20वां मेंबर है। स्पेन एंड नीदरलैंड आर इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया जाता है। यहाँ दिखाया हुआ है कि जो GDP ग्रोथ 2008 और 2019 में दिखाया गया है कि जो वर्ल्ड की GDP में कितना योगदान है डेवलप्ड स्टेट, और इसके जो सोर्स है कौन सा है? IMF से लिया गया है, इमर्जिंग स्टेट्स। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है कि G20 के मेंबर्स में कौन शामिल है, तो कौन जो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ यानी साउथ और माफ कीजिए उत्तर दक्षिण संबंध का भी कहीं ना एक तरह से उदाहरण है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज से मिलकर जो संबंध जो कॉपरेशन बनता है उसे कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ कॉपरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती खबर। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भारत व UAE संबंधों के बारे में। तो UAE संघ रणनीतिक संबंध मजबूत करने दुबई पहुंचे जयशंकर जी। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए कहने के जो विदेश मंत्री जी हैं वो UAE की यात्रा पर गए हुए हैं।
भारत और यूएई एक दूसरे के रिश्तों को कितना महत्व दे रहे हैं इस बात से समझा जा सकता है कि पहली बार दोनों देशों के बीच गठित संयुक्त आयोग और रणनीतिक वार्ता एक साथ होगी। इसमें अगले जो आगामी बैठक में कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा, निवेश, रक्षा व अंतरिक्ष, कारोबार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। और ये जो टर्मोलॉजी है, जो ये शब्द है, ये हमारे हर किसी देश के साथ संबंध करते हैं, तो उनमें इन शब्द इस जो वर्ड्स है इनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने के बाद कहीं ना कहीं जो संयुक्त आयोग और एक समग्र रणनीतिक वार्ता होने जा रही है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो दोनों देश अमेरिका और इसराइल के साथ I2U2 गठबंधन बनाने के बाद पहली बार द्विपक्षीय वार्ता की समीक्षा करेंगे। अब I2U2 क्या है, यानी इंडिया इसराइल और अमेरिका और कहीं ना कहीं सऊदी अरब, इन चारों देशों से मिलकर जो ये ग्रुप बनाए यानी I2U2। यूक्रेन रूस के बाद कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा बाजार की अनिश्चितताओं को देखते हुए कहीं ना कहीं जो यूए की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि यूए भारत की तेल आपूर्ति में कहीं ना कहीं प्रमुख देशों में शामिल है। और अभी हाल में भारत जो इराक के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्ति, मतलब इराक भारत के लिए एक बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रहा है। और कहीं ना कहीं जो इराक में आंतरिक अशांति को देखते हुए कहीं ना कहीं जो तेल की आपूर्ति पर उसका असर पड़ने लगा है, तो इसी को देखते हुए भारत ने कहीं ना कहीं अपना विकल्प निकाला है कि किस तरह से अपनी सप्लाई जो चेन है वो बनी रहे, यानी उसमें स्थिरता न आए। भारत यूएस से ज्यादा तेल खरीदता है, तो तेल आपूर्ति बढ़ाने का मुद्दा भी कहीं ना कहीं रखा गया है दोनों के बीच में, यानी भारत और यूए के बीच में। भारत यूए के लिए खाद्य आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, तो खाद्य सुरक्षा दूसरा मुद्दा है जो काफी महत्वपूर्ण होगी। भारत यूए के लिए खाद्य आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है। I2U2 की शिखर बैठक के बाद कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमेरिका, इसराइल और यूए सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है और इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है और यूए के पास सहयोग मतलब पैसा है, और अमेरिका के पास जो विश्व के ताने बाने का जवाब देना के लिए शक्ति है, तो इस चारों ने मिलकर कहीं ना कहीं एक तरह से न्यू कॉर्ड बोलते हैं उसकी संकल्पना को भी किया है, ताकि जो इस क्षेत्र में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में खाद्यान्न संकट के बढ़ने की आशंका से कहीं ना कहीं यूए भी काफी चिंतित है, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो आगामी बैठक में महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको शामिल किया गया है। तो अब हम यूए का मैप देखेंगे एक बार, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात का मैप है और ये है पर्शियन गल्फ, और ये है स्टेट ऑफ हार्मुज, अब ये यूनाइटेड अरब अमीरात जिसके बीचों बीच से क्या निकल रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी सीमा किससे लग रही, तो इधर सऊदी अरब से लग रही है, इधर ओमान से लग रही है, और इसी के नीचे कौन सा डेजर्ट आ गया, तो रब अल खाली ये डेजर्ट आ गया है, और इधर सऊदी अरब हो गया, और इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद चलते हैं हम यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, और ये दुबई। अभी इसके हम जो प्रांत देखें जिससे मिलकर कहने का यूनाइटेड अरब अमीरात बन रहा है, इसकी सीमा किससे लग रही, इधर पर्शियन गल्फ से लग रही है, इसके उत्तर में कौन है, ईरान है कहने का ही इसके इधर साइड में, और इसकी समुद्री सीमा किस किस से साझा हो रही है, तो सऊदी अरब से हो रही, कतर से हो रही, ईरान से हो रही, इधर ओमान से भी इसकी सीमा साझा हो रही है। ये दोहा, कतर की राजधानी दोहा, जहां बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं। ये दास, ये दलमा, अबू अल अबियात, तो इनको हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पाम आइलैंड्स ये चर्चा में बने रहते हैं और इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अबू धाबी जो सबसे बड़ा इसका एक तरह से प्रांत कह सकते हैं, ये दुबई, ये शारजा, ये अजमान, ये ओम अल क्वेन, ये रस अल खेमा, तो ये इन सबसे मिलकर कहीं ना कहीं यूएई बनता है। अब चलते हैं हम अगली खबर पर, हम एनसीआरबी के एक बार आंकड़े देखेंगे क्या उन्होंने प्रस्तुत किए। तो कहीं ना कहीं जो हर दिन हो जाती है 22 लोगों की हत्या, हर घंटे 11 अपहरण, तो 2020 की तुलना में पिछले साल हत्या और अपहरण के मामले में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हर दिन
औसतन 82 लोगों की हत्या हुई। हत्या के मामले में कहीं ना कहीं विवाद है, निजी शत्रुता है, निजी लाभ है, तो ये सब शामिल है उसके कारणों में। अपहरण की बात करें तो देश में हर घंटे 11 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया जाता है, जिनमें कहीं ना कहीं बच्चे, वयस्क, महिलाएं, लड़के, लड़कियां सब शामिल है। यह आंकड़ा दिखाया हुआ है कि 29,272 मामले दर्ज हुए थे हत्या के 2021 में, और जो कहीं ना कहीं जो 2020 में 29,193 थे, बढ़ोतरी हुई है। अपहरण के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अपहरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन है तो उत्तर प्रदेश है। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम स्थान पे है, और प्रति लाख आबादी पर संख्या के मामले में झारखंड और अपहरण के मामले में दिल्ली की स्थिति सबसे ऊपर है। प्रति लाख आबादी पर यह दर 4, मतलब इनको देखा गया है। राजस्थान, दुष्कर्म के मामले में सर्वाधिक मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। प्रति लाख आबादी में दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले राजस्थान में, और राष्ट्रीय औसत कितना है? 4.8 है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति भी खराब हुई है। 2021 में रोजाना 86 के औसत के साथ दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रतिशत के साथ बढ़ रहा है साइबर क्राइम। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में साइबर क्राइम के 52,974 मामले आए हैं, और 2020 में कहीं ना कहीं ये 50,035 थे। साइबर क्राइम में धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न और वसूली के मामले आ रहे हैं। तो अब हमें इस खबर को किस तरह से देखना है कि ये 2021 में ये इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? पहले हमें कारणों पर जाना है, दूसरा है इसके प्रभाव पर जाना है, दूसरा है इसके निष्कर्ष पर पहुंचना है, फिर आगे की राह क्या हो सकती है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है, और इनके समक्ष क्या चुनौतियां हमारे सामने उपस्थित है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं कि हमें कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखेंगे तो उसमें मजबूती होगी। अब चलते हैं अगली खबर। आईआईटी में ब्लॉकचेन तकनीक से हुआ चुनाव, जगी भविष्य की आस। तो घर बैठे मोबाइल से मतदान करने को मिली सकेगी सुविधा। तो कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगभग हर वर्ष पंचायत से लेकर लोकसभा तक कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। चुनाव को पारदर्शी और प्रभावी रखने के साथ उन्हें कम खर्चीला बनाना व लोगों की सहभागिता बढ़ाना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो आईआईटी मद्रास के एक नवोन्मेष में देश में एक चुनाव प्रक्रिया के आधुनिकीकरण व सुगमता की कहीं ना कहीं एक नई आस जगाई है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित चुनाव प्रणाली तैयार की है, जिसमें हैकिंग की संभावना न के बराबर होगी और खर्चीली भी न के खर्चीली है, लेकिन बहुत ही कम खर्चे में चुनाव करा सकती है। जब किसी संस्थान में ब्लॉकचेन प्रणाली से चुनाव करवाया गया तो किसमें कराया गया? तो यहाँ कहीं ना कहीं जो चुनाव परिषद हुआ इनका, तो उसी में इसका इस्तेमाल भी किया गया है। तो निदेशक के तीन सुझाव, कहीं ना कहीं जो घर घर पहुंचे मतदान केंद्र, ऐसा सिस्टम जहां मतदान केंद्र लोगों के घर घर पहुंचे और लोगों को वहीं से मतदान करके कर सके, ग्रामीण है या पहुंचविहीन क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। हाइब्रिड मतदान केंद्र ब्लॉकचेन चुनाव प्रणाली में कुछ वर्तमान व्यवस्थाओं की तरह ही स्थायी तो कुछ मोबाइल मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। कहीं से भी मतदान जहां हो वहां से आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से मतदान कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे हो सकते हैं, किस तरह से अभी हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है। तो हम देख लेते कि इसका जो प्रोजेक्ट है किस तरह से मतलब आया है। तो सबने अपने अपने लैपटॉप से दिए वोट। तो कहीं ना जो अनुरुद्ध यहाँ से संबंधित थे उन्होंने कहा कि जो छात्र परिषद में 2 उम्मीदवार थे और 27 मतदाता थे, हमने एक बूथ तैयार किया और कहीं ना कहीं हमारा जो सर्वर है उसको एक तरह से लैपटॉप की तरह उपयोग किया। तो फिर सभी मतदाताओं ने को एक वेबसाइट उपलब्ध कराई गई, यानी एक वेबसाइट एड्रेस दिया गया और सभी मतदाताओं ने उस साइट पर जाकर अपने अपने लैपटॉप से वोटिंग की और वोटिंग का सारा डाटा जो लैपटॉप में सुरक्षित हो गया। तो इससे कम समय में भी एक तरह से परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। दूसरा है अलग सर्वर बनाना है चुनौती। तो अब देख लेते कि चुनौती क्या है। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। देश के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग का निजी सर्वर तैयार करना
होगा ताकि देशवासियों को डाटा को सुरक्षित रखे, और उसके लिए फंड भी चाहिए। 90% तक मतदान, कम मानव संसाधन, तो कहने की भारत में ज्यादातर अशिक्षित भी है और दूसरा है उन्हें टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल भी नहीं, तो ये एक तरह से चुनौतियां हो सकती है। सर्वर स्थापित करने में एक बार खर्च आएगा लेकिन फिर चुनाव की लागत कम होती जाएगी, मतदान प्रतिशत 90% से ज्यादा पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से काउंटर भी किया जा रहा है कि एक तरह से फंड की जरूरत भी है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर फंड एक बार लगाना पड़ेगा तो उसको बार बार लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं तो ब्लॉकचेन एक वेब ऑपरेटिव तकनीक है, यानी वेब पर डिजाइन की जाती है। इस तकनीक से डाटा का आदान प्रदान या संरक्षण सबसे सुरक्षित माना जाता है। हैकिंग की संभावना न के बराबर होती है। बिटकॉइन में इसका उपयोग किया जा रहा है जो एक करेंसी है। एक बार सर्वर स्थापित करने में खर्च होगा लेकिन चुनाव में होने वाले खर्च को काफी कम हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि अभी जो ब्लॉकचेन तकनीक है वो किस तरह से कार्य करती है। तो हाउ ब्लॉकचेन वर्क, तो ब्लॉकचेन वर्क को समझने के लिए एक एलिस था जिसने कहने की पैसा भेजा किसमें, बीओबी, यानी किसी को पैसा भेज रहा है किसके थ्रू, बैंक को बड़ौदा में भेज रहा है। अब इसने ट्रांजेक्शन किया यहाँ से, तो उसके बाद क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन है वो एक तरह से ऑनलाइन में जाएगा और एक ब्लॉक की तरह निर्माण होगा, और कहीं ना कहीं जो ट्रांजेक्शन है उसको ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ब्लॉक का निर्माण हो गया, यहाँ से जैसे इसने ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पर जाने के बाद एक ब्लॉक के रूप में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद है जो ब्लॉक है, ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क पर जो भी पार्टी होगी उन सबको प्रसारित हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं जो नेटवर्क पर जो पार्टी से वो इस ट्रांजेक्शन को क्या करेगी, अप्रूव कर देगी और इसे वैध कर देगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ब्लॉक है ये ऐड हो जाएगा कहाँ, चेन में, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो परमानेंट है, नॉन रिपीटेबल और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो ब्लॉक है ये चेन में ऐड हो जाएगा और परमानेंट रहेगा। दूसरा है कि एक तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। दूसरा है कि यहाँ सेंट्रलाइज मैकेनिज्म का जो वर्क है वो काम नहीं करता है। और दूसरा है कि इस पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित नहीं होता। दूसरा इसे हैक करना भी मुश्किल है और यहाँ पे डाटा डिलीट भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक चेन में स्थापित हो गया। अब मान लें आप अगर डाटा यहाँ से डिलीट मारते तो वो यहाँ स्टोर रहेगा, यहाँ से डिलीट मारते तो यहाँ स्टोर रहेगा, क्योंकि वो जो ब्लॉक है वो एक तरह से ट्रांजेक्शन के रूप में हो गया है और वो सारे जो नेटवर्क के उपस्थित है उन सबके पास चला गया है। और उसके बाद आखिरी स्टेप में जो बॉब रिसीव मनी फ्रॉम द एलिस, जो यहाँ एलिस एक लड़का था और बॉब एक लड़का था, तो दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा था। तो इस तरह से ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। तो इस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है ब्लॉकचेन। अब देख लेते हैं हम जीनोम एडिटिंग, या 5 गुना तेज होगी जीनोम एडिटिंग, कैंसर के उपचार में मिलेगी मदद। तो देख लेते हैं कि जो जीनोम एडिटिंग क्या होता है। तो जीनोम एडिटिंग ऐसी तकनीक है जिसमें जीन में बदलाव किया जा सकता है। जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, घटाने या फेरबदल करने का काम किया जाता है। इस तकनीक की मदद से संपूर्ण जेनेटिक कोड में से विशिष्ट हिस्सों को हटाया जा सकता है या विशेष स्थान पर डीएनए को एडिटिंग का काम भी किया जा सकता है। जो कहने के जो आयसर भोपाल के वैज्ञानिकों ने कहने के ये शोध किया है जिससे HIV आनुवंशिक बीमारियों का इलाज में एक तरह से ये नई विधि खोजी गई है। अब यहाँ पर एक कमेंट किया गया है इन्होंने कि ये शोध आनुवंशिक बीमारियों को क्रिस्पर Cas9 तकनीक के माध्यम से जीन एडिटिंग करने रोकने में, यानी जो बीमारी है उनको रोकने में मददगार साबित होता है और कहीं असाध्य बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है कौन सी, क्रिस्पर Cas9। अब जीनोम एडिटिंग से असाध्य बीमारियों की जो रोकथाम है और कहीं ना कहीं उनका उपचार में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे कैंसर है, HIV जैसे रोगों का उपचार किया जा सकेगा। दूसरा है चिकित्सा जगत में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। HIV और आदिवासियों में होने वाली सिकल सेल जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी इससे आसान हो सकेगा। दूसरा है कि इससे प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकती है। तकनीक से न सिर्फ जीन में बदलाव कर गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है बल्कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली जो टी कोशिकाएं हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कहने के जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूती दी जा सकती है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। वंशानुगत संक्रमण रोके जा सकेंगे। कहीं ना कहीं जो एडिटिंग की
को गति देते हुए कहीं ना कहीं जो आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी जीन एडिटिंग की मदद से, गर्भ में ही बच्चे के जीनोम में बदलाव किया जा सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं वंशानुगत संक्रमण रोकने के लिए यह कारगर सिद्ध हो सकती है। देश को आज मिलेगी सर्वाइकल कैंसर रोधी पहली स्वदेशी वैक्सीन। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देश को पहली स्वदेश में ही विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेली पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर रोधी स्वदेशी वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई, SII वैक्सीन की सर्ववैक ब्रांड नाम से तैयार किया गया था इसे। और वैक्सीन सभी तरह के लक्षित HPV के खिलाफ बहुत ही प्रभावी है, ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है। सर्वाइकल कैंसर इस बीमारी का दूसरा ऐसा स्वरूप है जिससे कहने के जो देश में 15 से 44 वर्ष आयु समूह की जो महिलाएं वो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है, और उनके उपचार में यह मददगार साबित हो सकती है। चलते हैं हमारी अगली खबर पर। तकनीकी दक्षता व संघ डिज टूरिज्म की अवधारणा सशक्त करने का अद्भुत। तो हम हमारे लिए यहाँ देख लेते हैं कि कौन सी नदी पर कौन सा ब्रिज बना। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है एफिल टावर से भी ऊंचा है जो चिनाब रेल सेतु ब्रिज है, जम्मू कश्मीर बना है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे सेतु ब्रिज है, करीब कहीं ना कहीं जो जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। और किस तरह से जो ये सेतु है एक तरह से टूरिज्म का भी काम कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में जो स्थानीय लोगों की एक तरह से आय का साधन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अप्रैल जून में के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े रोजगार। तो कहीं ना कहीं जो पहली तिमाही में GDP में 13.5% की बढ़ोतरी के साथ कहीं ना कहीं जो विकास दर हासिल की, उससे कहीं ना कहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। और इसी के चलते जो गरीबी है बेरोजगारी है उसमें कमी आई है। और जो मनरेगा, और यहाँ दिखाया हुआ है कि जो शहरी बेरोजगारी दर कम होकर कहीं ना कहीं 7.6% रह गई है। मनरेगा के तहत काम करने वाली संख्या में भी कमी आई है। और बेरोजगारी में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी में कमी आई, क्यों? क्योंकि अगर दूसरे क्षेत्र में उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे नौकरी के, तो कहीं ना कहीं जो मनरेगा में काम छोड़कर वो अच्छा काम करेंगे। तो इसी को दिखाया गया है यहाँ कि कहीं ना कहीं जो अभी पहली तिमाही में तो अच्छी विकास दर है, लेकिन जो अदिति नायर अर्थशास्त्री उन्होंने कहा है जो शेष तिमाही में विकास दर की रफ्तार तेजी से नीचे आएगी। उनका कहना है कि अमेरिका, चीन और दूसरे विकसित देशों की इकोनॉमी में मंदी के संकेत मिले हैं, और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और मानसून अस्थिरता का भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश, कुछ में कम, तो इसका असर भी दिख सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इसके तहत कहीं ना कहीं जो प्रति यूनिट 5 किलो अनाज जो खाद्यान्न है वो मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। अब देख लेते हैं हम कि कोर सेक्टर क्या है। तो जुलाई में 4.5% रही कोर सेक्टर की वृद्धि। तो कोर सेक्टर में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 4.5% की वृद्धि रही। तो कोर सेक्टर में कौन से? तो 8 प्रमुख सेक्टर शामिल है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल है। तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं तो कोर सेक्टर का जिक्र आता है बार बार कि कौन से क्षेत्र शामिल है। प्रीलिम्स में प्रश्न बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। तो राज्यों को सस्ती दर पर चना देगा केंद्र। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडली समिति ने 8 रुपए प्रति किलो की छूट को दी मंजूरी। तो दालों की महंगाई पर काबू रखने के लिए कहीं ना कहीं जो राज्यों को 15 लाख टन चना रियायती दरों पर बेचेगी कौन? केंद्र। प्रति किलोग्राम चने पर 8 रुपए की रियायत दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दरों पर चने की खरीद कर सकेंगे, और योजना का लाभ उठाने के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति का भी इस्तेमाल किया है केंद्र ने। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को यह फैसला लिया है कि दलहनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के उपाय के तहत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिहाज से भी कहने के जो दालों की सरकारी खरीद में इस बार सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अरहर, उड़द, मसूर की दालों की सरकार की जो खरीद की जो मौजूदा अधिकतम सीमा को 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। किसानों को उनकी उपज का घोषित MSP जो प्राप्त होगा और खुले बाजार में कम
कम कीमत भी होगी, क्योंकि अगर सरकार पीडीएस के थ्रू अगर मुहैया कराएगी चना, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो कीमत उसको भी नियंत्रित की जा सकेगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे त्योहार के सीजन आने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चने की दालें, चना, बेसन, उनकी मांग बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं जिससे वंचित जो गरीब रहते हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, और उसी को देखते हुए जो चने की कीमत को नियंत्रित किया जाएगा। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोरबाचो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जो 51 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली, और 20वीं सदी के सबसे बड़े नेताओं में होती थी गिनती, तो अमेरिका के साथ जारी शीत युद्ध को किया था खत्म पुतिन, बाइडन, मैक्रो समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। तो सोवियत संघ के आखिरी जो राष्ट्रपति है मिखाइल गोरबाचो का बुधवार को निधन हो गया है। तो शुमार जो कहीं ना कहीं जो सोवियत के सबसे शुमार नेताओं में गोरबाचेव को सोवियत संघ में लागू की गई ग्लासनोस्त यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन की नीतियों के लिए जाना जाता है। हालांकि इसी ग्लासनोस्त की जो नीति है के चलते कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता कर कहीं ना कहीं जो गोरबाचेव ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जारी शीत युद्ध खत्म किया था, और इसी के चलते इन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित जो पश्चिम है प्रशंसा लेकिन रूस में आलोचना। तो कहीं ना कहीं जो सुधारों के लिए जो गोरबाचेव को नोबेल जो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले और प्रशंसा मिली, लेकिन अपने देश में रूस में कहीं ना कहीं इनकी आलोचना की गई, और कहीं ना कहीं जो 1991 में कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ टूटा, तो उससे कहीं ना कहीं 15 देशों का निर्माण हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं गोरबाचेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भावनाएं दबाई जाती तो नतीजा बेहद खतरनाक होते। तो कहीं ना कहीं सन 1985 से 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे गोरबाचेव ने बिगड़ती अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लिए कदम उठाए थे, लेकिन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन के अभाव में वे सफल नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने ग्लासनोस्त के चलते जनता को सरकार की आलोचना के अधिकार भी दे दिए, और इसी ने कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया, और जिसका नतीजा सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया। गोरबाचेव की जो दो महत्वपूर्ण नीतियां थी उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब देख लेते हैं हम भारत और यूए सोवियत संघ के बीच में मिखाइल गोरबाचेव की भूमिका एक तरह से। तो मिखाइल गोरबाचेव के राष्ट्रपति के कार्यकाल में सोवियत संघ कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक बदहाली से सामना कर रहा था। गोरबाचेव 1986 और 1996 में भारत आए थे, और भारत के साथ कहीं ना कहीं रक्षा आर्थिक सहयोग मजबूत करने संबंधित समझौते भी किए थे इन्होंने, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और कहीं ना कहीं जब ये दिल्ली घोषणा पत्र भी उस समय जारी किया गया जिसमें कहीं ना कहीं वैश्विक शांति को कायम करने के लिए मिलकर कार्य करने की घोषणा थी, उसमें परमाणु हथियार विहीन और हिंसा विहीन विश्व की परिकल्पना भी की गई थी। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। जापोरिजिया संयंत्र का निरीक्षण करने यूक्रेन पहुंची संयुक्त राष्ट्र की टीम, कहीं ना कहीं जो IAEA के निरीक्षक आज परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वास्तविक स्थिति का करेंगे आकलन। तो पिछले कुछ हफ्तों में पूरे क्षेत्र में बमबारी से संयंत्र में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो टीम है वो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर पहुंच गई है, और वहां पर निरीक्षण करेगी। परमाणु संयंत्र के आसपास भीषण बमबारी होने से कहीं ना कहीं जो चेर्नोबिल की तरह रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गए हैं। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भीषण हादसा हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गई थी और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए थे, और कई की मौत हो चुकी थी। इसी को लेकर इसलिए इतनी चिंता बढ़ी हुई है। आर्टेमिस 1 मून रॉकेट के प्रक्षेपण का 3 को दूसरा प्रयास, कहीं ना कहीं जो आर्टेमिस जो नासा का आर्टेमिस 1 मिशन जो रॉकेट है मिशन कहीं ना कहीं वो अभी रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फ्लोरिडा जो कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन रॉकेट के इंजन में समस्या, हाइड्रोजन रिसाव और खराब मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया था। नासा 2025 में कहीं ना कहीं मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना बना रहा था, तो उसी का ये हिस्सा था।
यूपीआई के बारे में देख लेते हैं। यूपीआई पेमेंट जरूरी है, सावधानी। तो कहने का जो डिजिटल पेमेंट की बात हो तो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसी क्रांति से कम नहीं है। कहने का जो 2022 में 46 अरब से अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन का एक तरह से रिकॉर्ड है। और कहीं ना कहीं इसे देखते हो, कहीं ना कहीं यूपीआई का ट्रांजेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं साइबर धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान भी तो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये हमारे एक तरह से जीएसटी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी संबंधित है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की बदौलत भारत की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में एक नई क्रांति आ गई है। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान बना दिया है। 1 मिनट से भी कम समय में लोगों को पैसा भेजा या उनसे प्राप्त किया जा सका है। लेन देन प्रक्रिया पहले से आसान हो गई है। साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। तो इसी में एक तरह से दिखाया गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। तो अपने यूपीआई पिन साझा न करें, फोन की स्क्रीन लॉक जोड़े, यूपीआई आईडी को सत्यापित करें, एक से अधिक यूपीआई ऐप का इस्तेमाल न करें और न करें असत्यापित लिंक का पर क्लिक और न आए किसी के झांसे में। तो इस तरह से हमें अवेयरनेस रहना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। आज ही हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी की प्रभावी टेगलाइन के साथ कहने की जो बीमा का जो पर्याय बन चुकी एलआईसी की स्थापना कहने की 1956 में हुई थी। और एलआईसी एक बड़ी निवेश संस्था भी है और जो इसमें कई बड़ी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी ले रखी है और हाल ही में इसमें कहीं ना कहीं डिस इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। अब रोपाई दान की कर सकेंगी गेहूं की तरह बिजाई। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने विकसित की धान की दो नई किस्म, पूसा बासमती 1989 व पूसा बासमती 1985। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये किसकी किस्म होती है, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं कि पूसा और बासमती किसकी किस्म है। तो हम बताना आना चाहिए कि ये धान की किस्म है। पानी की होगी बचत, खरपतवार रोधी दवा का नहीं बढ़ेगा धान पर दुष्प्रभाव। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है एक तरह से। जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से दुनिया आकाशगंगा को इतने नजदीक से देखा है। कहीं ना कहीं फैंटम आकाशगंगा की तस्वीर खींची गई है। सर्पिल भुजाएं हैं और इसके केंद्र में न्यूक्लियर स्टार क्लस्टर हैं और आसपास इसके गैस के बादल हैं। तो इस तरह से हमको इसको देखना था कि ये शब्द हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि हम ज्योग्राफी पढ़े ना तो हमें अटपटे ऐसे शब्द ना लगे। अभिव्यक्ति में आप ये जरूर पढ़िए, यूरोप चीन के सूखे से निकलती चेतावनी। और एक और है, आर्थिक ही पर भारी पड़ता रेवड़ी की संस्कृति। हमारा विश्लेषण तो यही समाप्त हो गया है। अब चलते हैं हम एक बार गूगल। तो ये हमारा प्यारा भारत, तो अब हम चलते हैं यूए। तो यूए जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अरब सागर से होकर गुजरना पड़ेगा अगर हमें समुद्री मार्ग से जाते हैं। अब ये ओमान की खाड़ी और ये पारस की खाड़ी और इनके बीच में आ गए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हो गई, इन दो जल निकाय को जोड़ रही। तो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी किसको अलग कर रही है? तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये ओमान आ गया, इधर इधर यूए आ गया और ऊपर कहीं ना कहीं ईरान आ गया है। यूए की सीमा किससे लग रही है? तो इधर सऊदी अरब से लग रही है, इधर ओमान से लग रही है। और इसके दक्षिण में कौन सा देश अवस्थित है? तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब आ गया है। और इसके दक्षिण पूर्व में ओमान आ गया है। पूर्व में भी कौन? तो ओमान आ गया है। इसके पूर्व में कौन आ गया है? पूर्व में तो ये हो गया। और पश्चिम में कहीं ना कहीं एक तरह से कतर है, बहरीन है। इसके बीच में से कहीं ना कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजर रही है ये अबू धाबी, ये दुबई, ये शारजहा, ये रास अल खेमा जब भी हमने देखा था, अल अलाइन। ये अबू धाबी की पिक्चर हो गई, किस तरह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखी है, कितना डेवलप्ड नेशन हो गया है। इसीलिए लोग अब जो अबू धाबी में घूमने जाते हैं। आप भी जाइएगा जरूर घूमने कभी समय मिले तो। हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।